आप देख रहे हैं CN24। विगत 27 तारीख को कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया मोहल्ले में गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर 22 लाख रुपए की लूट की सूचना 112 नंबर पर दी गई थी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर कैंट थाने की फोर्स के साथ पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर पहले ही दिन से छानबीन में लगी हुई थी और घटना के 8 दिनों बाद गोरखपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने की चेन, मोबाइल, नकदी व घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि इंस्टीट्यूट में कार्यरत एजेंट पवन सिंह अपने गांव में हुए विवाद के बाद धारा 307 के अंतर्गत सीवान जिला जेल में बंद हुआ था। इसी दौरान जेल में ही पवन सिंह की मुलाकात अजय सिंह नाम के अपराधी से हुई। दोनों के आपसी मेलजोल अच्छे होने की वजह से उन्होंने अपने ही दोस्त के इंस्टीट्यूट में लूट करने की योजना बनाई और 27 तारीख की शाम को 7 बजे शातिर अपराधियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 27 तारीख को एक घटना हुई थी, 27/10 को लूट की सूचना मिली थी पुलिस को। एक गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिंगड़िया में है, वहाँ पर ये लूट की सूचना मिली थी हमारे कंट्रोल रूम को। उसके आधार पर SHO, CO, एडिशनल SP साहब हमारे द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया, देखा गया वहाँ पे। वहाँ पर उनका यह कहना था कि 22 लाख रुपए की घटना, लूट की घटना घटित हुई है। उसके बाद वहाँ पर 4 कर्मचारी काम कर रहे थे, वहाँ सर्च करने पर और देखने पर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 4 कर्मचारी थे उनके, और वो चारों लोग यह कार्य कर रहे थे। वहाँ पर स्टाम्प शुल्क अदा किए बिना कुछ कूट रचित किए हुए स्टाम्प हमें वहाँ मिले, उसको चेक किया गया, प्रिंटर मिला, वहाँ पर कंप्यूटर्स मिले, स्कैनर मिले, और पता लगा कि यह गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ इलेक्ट्रीशियन और मज़दूरों को भेजने का यह संस्था कार्य करती थी। उसके लिए वीज़ा बनवाना, टिकट बनवाने का आदि का काम करती थी। उसके आधार पर हम लोगों ने जाँच शुरू करी, लूट की सूचना के बारे में भी जाँच शुरू करी और लूट का मुकदमा कायम किया जनपद गोरखपुर की कैंट थाने पर। उसके आधार पर हम लोगों ने लूट की सूचना के आधार पर जो जब जांच आगे बढ़ाई तो जो 4 कर्मचारी वहां काम कर रहे थे उसी में से एक कर्मचारी पवन सिंह जो बिहार का रहने वाला है उसी ने अपने कुछ साथियों को बिहार से बुला करके जब उसको पता था कि यहां पैसा इकट्ठा किया जाता है तो यह लूट की घटना कारित कराई। और उसमें हम लोगों ने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, अलग अलग सभी के कब्जे से लगभग 12 लाख रुपए हमने बरामद किए हैं। 9 लाख रुपए पवन सिंह ने स्वयं ने अपने उसी समय अलग कर लिए थे, क्योंकि लूट का कर्ता धरता और लूट का प्लान करने वाला पवन सिंह ही था। उसने अपने क्रिमिनल साथियों को बुलाया और ये घटना कारित कराई। उसमें हम लोगों ने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, एक अभी वांटेड है जिनको हम अरेस्ट करेंगे। 12 लाख रुपये हमने बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टाम्प कूटरचित स्टाम्प जो मिले मौके पर, और उस आधार पर हम लोगों ने जब आगे बढ़ाई जांच तो सरकारी कोषागार से जो स्टाम्प इश्यू होते हैं उसके आधार पर जब आगे बढ़ाई जांच तो जो 142 स्टाम्प मिले वो कूटरचित थे, उस पर अलग अलग लोगों के नाम भरे थे और एक ही स्टाम्प नंबर था उस पर, और वो कोषागार से इश्यू उसमें सिर्फ मात्र 2 थे। 142 ऐसे कूटरचित स्टाम्प मिले वहाँ पर, उसके आधार पर धारा 255, 256, 259 और 260 IPC का अपराध उन लोगों पर भी बना जो 4 लोग वहाँ काम कर रहे थे। वो चारों लोग भी जेल जा रहे हैं इन्हीं की धाराओं में, और जो 4 लोग हमने बिहार के क्रिमिनल अरेस्ट किए हैं जो बिहार के रहने वाले हैं उन लोगों पर हम लोग डकैती की धारा में इस केस को तरमीम किया है और डकैती में उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है 4 लोग। उसमें से पवन सिंह एक ऐसा क्रिमिनल है जो दोनों केसेज में जेल जा रहा है, क्योंकि वो कर्मचारी कूटरचित दस्तावेजों में भी शामिल था और लूट की घटना अपने साथियों को बुलाकर कराने में भी शामिल था। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनका गैंग भी पंजीकृत किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा।